दर्शक बंधु ईरान रो तेहरान ठारे हमास रो मुख्य इस्माइल हनिया को एक एयर स्ट्राइक द्वारा मार दिया जायथिबा खबर आमे डीटीवी ओडिया माध्यम रे आपन को देई सारिछु। इस्राइल रो राडार रे हमास रो बहु मुख्य संभवत आगुरु ही चली आसीथिले। गोटिए परे गोटिए मुख्य को पूरा विश्वरु हटे दबा पाई एमानंकर योजनाबद्ध रणनीति थिला। एवं अचानक आउ एक खबर आसी पहुंचिला कि हमास रो जे प्रतिरक्षा रो मुख्य थिले दाइफ तांकु मध्य एक एयर स्ट्राइक द्वारा गाजापट्टी रे आक्रमण करी मासे तलु इजराइल हटाई दीछि। एवं एहा परे परे इस्माइल हनिये मध्य समान एयर स्ट्राइक रे मृत्युवरण करचंती, किंतु एथि मध्य रे जो पार्थक्य टी हला कि इस्माइल दाइब को इजराइल द्वारा मरा जायछि, किंतु इस्माइल हनिये को किए मारिछि ए नै इजराइल निज तरफरु कोनोसी प्रकार रो बयान देइ नाही। विभिन्न देश रो दाबी अनुजाई इजराइल ही एथिरे मुख्य षडयंत्र करथिला बोली दाबी करा जाउथवा बळे अंतरराष्ट्रीय स्तर रे इस्माइल हनियंक मृत्यु पई निजकु दाई करे नाही। तबे से जहा भी हो हमास रो मुख्य आउ नाहंती एकथा स्पष्ट। वर्तमान चिंता हला हमास रो मुख्य होबो किए, एवं एथि पई सबुठारु अधिक दावेदारी जहार रहिचि ता ना हला खालिद मसाल। खालिद मसाल रो इति मध्य रे एक केरल सह संपर्क कथा मध्य उठिछि। प्रसंग क्रमे आमे एहा विषय भी आलोचना करिबा। खालिद मसाल किए संभवतः जेतिक भी खालिद मसाल संपर्क करे सूचना आधार रे इतिक कहा जाई पारे 1965 मसिया रे एहार जन्म वेस्ट बैंक रे, एवं जन्म परे परे जेतेबेले 1967 मसिया रे इजराइल रो 6टी अरब देश सह युद्ध आरंभ होइतिला एई समय रे एमाने सेठारु खसी चली आस्तिले। एहा परठारु खालिद मसाल विभिन्न देश रे निजर कार्य करिथिला, एवं मोटामोटी जदि कहिबा कुवेत सह इराक सह जोरदान सह एहार व्यापक मात्रा रे संपर्क मध्य थिला। प्राथमिक स्तर रे एहार परिवार समेत एमाने इजिप्ट रे बसवास करथुवा बे कुवेत रे खालिद मसाल रो अति मात्रा रे दीर्घ वर्ष कटिथिला। फल रे जो मुस्लिम ब्रदरहुड कहा जाय बा मुस्लिम भाईचारा कहा जाय एही दिगरे खालिद मसाल रो प्रबल पकड़ रहिछि बा प्रबल प्रभाव रहिछि एकथा को मध्य स्वीकार करा जाए। विभिन्न समय रे विभिन्न देशर युव मुस्लिम माननकु एक धारा रे अनुप्राणित करबा पई एहार भाषण मध्य देखिबा को मिलिथाय। खास करी अलास्का मस्जिद रो दाबी नवा इजराइल विरुद्ध रे संग्राम करबा आदि इत्यादि संपर्क रे व्यापक भाषण दबारे मध्य उस्ताद हला खालिद मसाल। एवं प्रकृत रे जेतेबेले खालिद मसाल एबे हमास रो नुआ मुख्य हबो अपातत एई धारणा बलवत्तर रहिछि एथि पई जे कोनोसी प्रकार रो अंतरराष्ट्रीय अपराधी बोली एहाकु घोषणा करा जाय नाही। आतंकवादी बोली मध्य अंतरराष्ट्रीय स्तर रे खालिद मसाल को घोषणा करा जाय नाही। मुख्यतः एक राजनैतिक चरित्र भावरे खालिद मसाल निजकु प्रतिपादित करिछि। 1997 रे हमास गठन हुए, किंतु 1996 रु एहार कार्य विभिन्न देश रे देखिबा को मिलिथाय। 1997 मसिया रे हमास गठन हला परे प्राय प्राय 2016-17 पर्यंत हमास को एक निर्दिष्ट धारा रे आगे नवा पई खालिद मसाल रो व्यापक प्रचेष्टा रहितला। परवर्ती अध्याय रे इस्माइल हनिया जेतेबेले हमास रो मुख्य हले 2024 पर्यंत हमास मुख्य मरिबा पूर्व हनिया हमास को एक निर्दिष्ट धारा रे आगक नवा पई योजनाबद्ध तरीका रे निजक एक राजनैतिक चरित्र भावरे राजनैतिक नेता भावरे विश्व सामनारे उपस्थापन करी, किंतु भितरे भितरे हमास को चलेबार दायित्व हानियंकर रहितला। एबे खालिद मसाल मध्य सेई धारा रे जने राजनैतिक चरित्र हिसाब रे प्रतिष्ठित, एति पई बहु देश सह एहार व्यापक संपर्क रहिछ। एक उदाहरण दिया जाय केमिति भावरे अनेक देश सह एहार संपर्क रहिछि। उदाहरण अनुजाई आपण निश्चित मात्रा बुझि जिबे कि इजराइल रो सबुठारु खुफिया संस्था मोसाद सह एहार थरे पाला पडिथिला एवं केमिति भावरे खालिद मसाल बंची जायथिला। जोर्डान रो राजा सह खालिद मसाल रो अत्यंत निबिड संपर्क रहिथिला। 1996 पाखापाखी इजराइल एवं अमेरिका रे व्यापक मात्रा रे रॉकेट माड़ एवं आत्मघाती बोमा विस्फोरण रे खालिद मसाल रो ना उठिथिला। फल रे अमेरिका रो खुफिया एजेंसी एवं इजराइल रो खुफिया एजेंसी रो राडार रे खालिद मसाल चली आसीथिला, किंतु सेतेबेले से जोर्डान रे काम करथला एवं जोर्डान राजांकर अत्यंत घनिष्ठ बंधु थिला। एवं सेतेबेले कु जोर्डान एवं इजराइल मध्य रे एक प्रकार रो संधि स्थापन मध्य होइतला, एक चुक्ति मध्य रहितला शांति चुक्ति। एहा बाद भी
इजराइल रो खुफिया एजेंसी मोसाद रो किछि सदस्य खालिद मसाल को जोरदान रे चिन्हट करि पारि पूरा पूरी योजनात्मक तरीका रे एक इंजेक्शन देथिले। एही इंजेक्शन एहार सब सिरा प्रसिरा को अकामी कर दबा पई जथेष्ट थिला। इंजेक्शन पाइबा परे दीर्घ दिन डाक्तरखाना रे बितैथिला एवं मृत्यु आडू को गति करथला। एक कथा देखि खालिद मसाल को बंचेबा पई जोरदान रो राजा तत्पर होइ उठिले। किछि मोसाद एजेंट को गिरफ मध्य कले एवं इजराइल को खबर पठाइले कि जदि एही इंजेक्शन रो एंटीडोट अर्थात इंजेक्शन रो प्रभाव शून्य करिबा पई आउ एक इंजेक्शन इजराइल जोरदान को न दे ताहले खालिद मसाल तो मृत्युबरण करिबो। एहा सह धरा पड़िसिबा मोसाद सदस्य को मध्य जोरदान द्वारा दंडित करा जिवो बा मृत्यु दंड दिया जिवो। बाध्य होई मोसाद रो सदस्य मानंकु बंचेबा पई इजराइल प्रभाव शून्य इंजेक्शन जोरदान राजा को देइथिला एवं एही इंजेक्शन नै खालिद मसाल निश्चित मृत्यु मुखरु बर्ती जाइथिला। एवं सेही दिन ठारू विभिन्न देश सह जोगाजोग रक्षा करी खालिद मसाल एक रकम भितर भितर अनेक गुड़ी देशर मुस्लिम युवक मानंकु इजराइल विरुद्ध रे संग्राम करिबा पई अनुप्राणित करि आस्थिला प्रभावित करि आस्थिला एवं भाषण माध्यम रे एमानंकु अल अक्सा मस्जिद को निज नियंत्रण को केमिति नै हबो ए नै मध्य भाषण देथिला। सूचना थाउ कि अक्टूबर 23 रे जेतेबेले हमास इजराइल को आक्रमण कला एहार परे परे विभिन्न देशर युव मुस्लिम मानंकु एकजुट करी इजराइल विरुद्ध रे संग्राम करिबा पई एक रकम प्रचार अभियान चलैथिला खालिद मसाल। एही कनेक्शन रे बा संपर्क करे केरल रो मल्लापुरम थारे मध्य एक प्रकार रो सभा आयोजन करा जायथिला जदियो एहा वर्चुअल माध्यम रे बा ऑनलाइन माध्यम रे करा जायथिला जेउथिरे खालिद मसाल भाषण देथिला। अवश्य एथिरे कोनोसी इजराइल विरुद्ध रे सशस्त्र संग्राम करबा पई से कहु नथिला बरंग एकजुट होई इजराइल विरुद्ध रे संग्राम करबा पई से मोटामोटी भारत रो केरल रे थिबा मुस्लिम युवक मानंकु मध्य अनुप्राणित करबा पई चेष्टा करथिला। फलरे एहा कोने एक बड़ विवाद देखा दला भारत रो सुरक्षा एजेंसी मानंक नजर रे चली आइथिला खालिद मसाल। एही सभा को पंड करबा पई सरकार मध्य तत्पर होई उठिथिले एवं कोनोसी बाटरे काले भारत रे एक प्रकार असुरक्षित भावना उद्रेक हबो एनै जथेष्ट पदक्षेप सरकारक तरफ निया जायथिला। फलरे खालिद मसाल रो परवर्ती अध्याय रे आउ कोनोसी सभा भारत रे देखिबा को मिलि नथिला। एबे एही खालिद मसाल को नै व्यापक मात्रा रे चर्चा आरंभ होईछि कि संभवतः परवर्ती हमास रो मुख्य खालिद मसाल ही हबो। कारण अन्यन्य जेउ गुड़ी को हमास रो मुख्य बोली कहा जाउची जेउ मानन को कहा जाउची खास कर एमानन को भितरे सर्वाग्र रहिथिला यैया सिनबा जे कि गाजा पट्टी रो बाहर को बाहरी पर नहि। आहुरी मध्य किछि हमास रो नेता जेउ माने कतर रे रहिथिले इस्माइल हानियन को मृत्यु देखि एमाने मध्य बैकफुट को चली जाइछंती। फल रे एबे खालिद मसाल को नै जोरसोर चर्चा हबा आरंभ होईची संभवतः हमास रो परवर्ती लीडर बा बस खालिद मसाल ही हेबे। एबे अपातत एहा नै एक प्रकार विश्लेषण जोर धरिथिबा जणा पड़िछि। यदि आपणक जीवन रे व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तु दोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान ओ परामर्श पई आमकु जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।